आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने मेरठ में रखी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। मेरठ के शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। फरवरी में देश की रक्षा को मुस्तैद होगा S-400 सिस्टम। चीन और पाकिस्तान के हमलों को आकाश में ही करेगा खत्म। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री का है त्रिपुरा दौरा। ओमिक्रॉन के चलते देश के कई राज्यों में सख्त निर्देश जारी। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय किया गया है बंद। राजधानी में कड़ाके की ठंड। दिल्ली समेत 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में पुलिस बलों की होगी बंपर भर्ती। राज्य में 5 नए पुलिस स्टेशनों की होगी स्थापना। हरियाणा में कोरोना ने पकड़ी स्पीड। सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां। देशभर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर छापा। नहीं देते थे जीएसटी। 70 करोड़ की कर चोरी उजागर। असम में बदलेगी पीएसओ नियुक्ति की नीति। खतरे का आकलन करने की ही मिलेगी सरकारी सुरक्षा। माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन फिर से हुए सामान्य। कल भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की चली गई थी जान। एलन मस्क की युवाओं को सलाह, दूसरों के लिए उपयोगी काम करना जरूरी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा असम नागालैंड से AFSPA हटाने पर अगले 45 दिनों में लिया जा सकता है फैसला। मिठाई देकर बधाई दी। लंबे गतिरोध के बीच पहली बार दिखी दोनों देशों के बीच नरमी। भाजपा सांसद व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने जीतन राम मांझी व मुकेश साहनी को ललकारा। कहा दो कमजोर जानवर शेर का शिकार नहीं कर सकते। नवजोत सिद्धू का अपनी ही सरकार का बड़ा आरोप। कहा मंत्रियों ने की 2000 करोड़ की हेराफेरी। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर सपा का तंज। कहा समाजवादी इत्र की सुगंध से भाग रहे लाल टोपी वाले। रामपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ सपा सरकार में युवाओं को मिला धोखा। चाचा भतीजा करते थे लूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। गोरखपुरी अयोध्या से हो सकते हैं प्रत्याशी। गोरखपुर की 25 अवैध कॉलोनियां होने जा रही हैं नियमित। जीडीए ने शुरू की तैयारी।
रेल में सफर करने वालों को बड़ी राहत, 14 एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू हुई जनरल टिकट पर यात्रा। अलीगढ़ में योगी राज में महिलाओं का हाल बेहाल, युवती से दुष्कर्म की कोशिश। औरैया में ऐतिहासिक मेले का हुआ आयोजन, अपर पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। औरैया में आवारा जानवरों पर फूटा किसानों का गुस्सा, किसान ने जानवरों को विद्यालय में बंद किया। वैष्णो देवी माता हादसे में गोरखपुर में अरुण प्रताप सिंह की हुई मौत। मैनपुरी में किसान मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन, राज्यसभा सांसद ने सम्मेलन को संबोधित किया। रायबरेली में दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ, बाप बेटे पर किया जानलेवा हमला। सहारनपुर में एकतरफा प्यार में हुई हत्या, प्रेमी ने युवती को उतारा मौत के घाट। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की हुई मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर में खोए हुए 120 मोबाइल फोन हुए बरामद, सर्विलांस टीम ने मोबाइल किए हैं बरामद। आगरा में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चंदौली में दिखा रफ्तार का कहर, आमने सामने से दो बाइकों में हुई भीषण भिड़ंत। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, एसडीएम और थाना अध्यक्ष के सामने चले लाठी डंडे, महिला ने एसडीएम को लाठी से मारने की कोशिश की। फतेहपुर में आवारा जानवरों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है, जहां पर बाजार में हड़कंप मच गया, बाल बाल बचे हैं स्थानीय लोग। फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार विक्रम ने बाइक सवार कुमारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार युवक। लखीमपुर खीरी में हुआ भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में टकराई टूरिस्ट बस, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। तिकोनिया मामले में किसान पक्ष के 2 लोग गिरफ्तार, कमलजीत और सोनू की हुई है गिरफ्तारी। फतेहपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, चोरी का विरोध करना रिटायर्ड शिक्षक को पड़ा भारी, बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक की ईंट से कूचकर की हत्या। पूर्व विधायक दबंग गुड्डू पंडित की घर वापसी, बसपा के बाद फिर समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। भूपेंद्र सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, सपा सरकार में पुलिस भैंसों को ढूंढती थी, अब अपराधियों की तलाश कर रही है। समस्याओं से रूबरू होने वाले गांव की गलियों में पहुंचे गोरखपुर के डीएम, कहा बदलेंगे गांव की दशा।
लखनऊ में स्मैक और गांजा बिक्री करते चार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों दोनों को दबोचा। सांसद वरुण गांधी बोले, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। ब्रजघाट में पौष अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, जयकारों से गूंजा गंगा घाट। गोरखपुर किशोरों को टीका लगवाने की तैयारियां तेज, लगाई जा रही है वैक्सीनेटर की ड्यूटी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की लुभावनी घोषणा, सरकार बनने पर देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। धनौली में खेल किट का हुआ वितरण, भाजपा ने बच्चों को बांटी किट। ग्वालियर में आप नेता इंजीनियर शादाब आलम का बयान, कहा आम आदमी पार्टी जरूरत है। विकासनगर में गुरु ग्रंथ साहिब की नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई, जगह जगह पर यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बोले, डबल इंजन सरकार ने दी उत्तराखंड में विकास को रफ्तार। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस की सत्ता में वापसी से हार का कलंक होगा दूर। ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद दून में एक तरफा बढ़ रहा है कोरोना। चमोली गौशाला में आग जलाकर सो गया बकरी पालक, देखते ही देखते लपटों से घिरा, 47 बकरियों की हुई मौत। उत्तराखंड में नागालैंड में शहीद हुए जवान प्रदीप थापा को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भगवानपुर के रायपुर में फैक्ट्री से बैटरी चोरी करने का आरोपित चढ़ा पुलिस के हत्थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को भी कारण बताओ नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा जवाब। नए साल पर नैनीताल के पर्यटन कारोबार को अरबों की मिली सौगात। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में फूटा कोरोना बम, एक साथ 85 छात्र मिले हैं कोविड पॉजिटिव। बाबा रामदेव के दरगाह जाने पर यति नरसिंह सिंहानंद ने उठाए सवाल, कहा मैं जन्म से ही पाखंड का विरोधी। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिंहानंद सिंधु सागर पर भी केस दर्ज। उत्तराखंड में मौसम फिर लेगा करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदान में बरसेंगे मेघ। दुनिया मना रही नए साल का जश्न और इमरान खान अपनी जनता पर गिरा रहे महंगाई का बम, शहबाज शरीफ ने दिया है ये बयान।
नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, लागू किया गया सीमा कानून, भारत की चिंता बढ़ी। अफगान में तालिबानी सत्ता का बढ़ रहा खौफ, रूस ने मान्यता देने से किया इनकार। पाकिस्तान के टेरी मंदिर में भारत, अमेरिका और यूएई के हिंदुओं ने की है पूजा। WHO प्रमुख ने चेताया, असमानता से वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आने का खतरा ज्यादा। भारत पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया गया आदान प्रदान, वर्ष 1988 में हुआ था करार। नए साल पर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को चेताया, कहा लोकतंत्र व आजादी कोई अपराध नहीं। तेरह मिलियन लोग चीन में घरों से नहीं निकल पाएंगे बाहर, ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को ताबड़बंदी और चौकी निर्माण से रोका, अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत का है ये मामला। उत्तर कोरियाई नेता किम ने सैन्य ताकत बढ़ाने का लिया संकल्प, अमेरिका ने साधी चुप्पी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों पर DGGI की बड़ी कार्रवाई, जीएसटी चोरी को लेकर की छापेमारी। कपड़े पर 12 की जगह 5% ही लगेगा जीएसटी, काउंसिल की बैठक में फैसला। टाटा की गाड़ियों की बढ़ी मांग, दिसंबर में बिके 35,000 से भी ज्यादा यूनिट्स। उधारी चुकाने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस का है अब बड़ा प्लान, जुटाई जाएगी बहुत बड़ी रकम। दिसंबर 2021 में घटा जीएसटी कलेक्शन, सरकार को 1.29 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। पांच जनवरी को लॉन्च होगा IQOO 9 Pro स्मार्टफोन, दमदार कैमरे के साथ बहुत से फीचर होंगे। कर्मचारियों को मिलेगा एक और भत्ता, कर्मचारी कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे CEA क्लेम। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट का शानदार ऑफर, फ्री डेट एक्सचेंज की भी मिलेगी सुविधा, फ्री फ्लाइट वाउचर भी मिलेगा। नॉइस की नई स्मार्ट वॉच बॉडी टेम्परेचर का पता लगाई कि ये वॉच ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को भी दिखाएगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा को सौंपा NER का अतिरिक्त प्रभार। सिडनी टेस्ट से पहले इंग्लैंड के खेमे में कोरोना ने मचाया कोहराम, 9 लोग हुए कोविड पॉजिटिव। हरभजन सिंह का फूटा दर्द, मुझे कप्तानी नहीं मिली क्योंकि BCCI में मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं था।
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने रखी विदेशी कोच की डिमांड, पीसीबी चीफ का है अलग प्लान। एशियस में मिली हार तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आईपीएल पर मढ़ा दोष, बोले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ज्यादा खेलें। बाबर आजम बोले भारत पर टी20 वर्ल्ड कप में मिली जीत 2021 का सबसे खास पल। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाए जाने से हैरान है पूर्व चयनकर्ता। एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने भारत की अंडर 19 टीम को लेकर दिया बयान, ये खिताबी जीत मनोबल बढ़ाने के लिए है आदर्श। रोहित शर्मा का 10 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल, नए साल पर लिया था खास संकल्प। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, रोहित विराट को नहीं मिला नॉमिनेशन, बाबर है शानदार बल्लेबाज। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का हुआ ऐलान, कप्तान की हुई वापसी। सुशांत सिंह राजपूत के फेसबुक अकाउंट से बहन ने दी नए साल की शुभकामनाएं, फैंस हुए इमोशनल। फौजी नेम प्लेट वाली बाइक पर सारा अली खान को घुमाना, विकी कौशल को पड़ा भारी, पुलिस में दर्ज हुई मामले की शिकायत। मृणाल ठाकुर का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, कहा अभी मुझ में हल्के सिम्टम्स हैं। शाहरुख खान स्टारर पठान का स्पेन शेड्यूल टला, स्पेन शेड्यूल जनवरी की जगह फरवरी में होने की उम्मीद है। रियल लाइफ के महादेव बने दूल्हा, मोहित रैना ने गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, साल के पहले दिन फैंस को सरप्राइज दिया। आरआरआर पोस्टपोन होने से मेकर्स को हुआ भारी नुकसान, प्रमोशन में पानी की तरह बहाए थे करोड़ों रुपए। सिंगर मीका सिंह ने नए साल पर किए सिद्धिविनायक के दर्शन, फैंस के लिए मांगी दुआ। अनुपमा नए साल पर नंगे पैर पहुंची वैष्णो देवी, वीडियो शेयर कर बोली जय माता दी। करिश्मा तन्ना ने अपनी रिलेशनशिप ऑफिशियल की मंगेतर वरुण बंगेरा के साथ शेयर की फोटोज। फिल्म राधेश्याम 14 जनवरी को होगी रिलीज, 30 जुलाई 2021 थी राधेश्याम की पहली रिलीज डेट। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।